ใช่ไหมแบบกีตาร์แรกเมนต์นะดิLa la 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 la
सबसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए उन्होंने हमें ब्रह्मांड के केंद्र में रखा है। अर्थ इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। एक्सक्यूज मी फादर, आई डिड सगरे। आप कौन? अयो, आई एम गलीलियो। स्पीक माय सन। फादर, जिस तरह आप कर रहे हो प्रीच, उसी तरह संदेह सौर्यमंडल के बीच और जिस तरह आप सब निकालते हो साउंड, उसी तरह पृथ्वी लगाती है सन के राउंड। ये क्या बकवास बात कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई दिन का झूठा, भाई सच है। हमारे ग्रंथ को झूठा कहने वालों का जॉब अच्छा नहीं होगा। चोरी ऐसी लाए कि मच गया कोरम, तुमने कैसे कर दिया चर्च का अपमान। आप लोग थोड़ी ना स्मार्ट हो, आप और हम इतनी दूर दूर से यहाँ पर आए नुक्कड़ नाटक कॉलेज कॉम्पिटिशन में करने के लिए। पर अब आइए जानते हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जो नुक्कड़ नाटक करता था सिर्फ और सिर्फ अपनी असहमति जताने के लिए। नुक्कड़ नाटक आज के नाटक का मुद्दा है गरीबी हटाओ योजना। जैसे कि आप देख सकते हैं गाजियाबाद के सल्फाबाद क्षेत्र में जन नाट्य मंडली अपने नाटक का प्रदर्शन कर रही है। इस नाटक के निर्देशक मौजूद है। अखबारों में खूब चमके कि गरीबी को हटा दिया, पर हकीकत में एक बार जाको पता पड़ेगा कि गरीबों को ही मिटा दिया, गरीबों को ही मिटा दिया। हेलो यादव जी, ये क्या चल रहा है आपके क्षेत्र में? ये नाटक नाटक क्या नाटक लगा रखा है? 10 मिनट में वो पूरा मैदान खाली चाहिए। और सुनो, हम तुम्हारा बोल नहीं करेंगे। लगा बोल। सुन रहे चले यादव जी, ना देश से सारे लौंडों इकट्ठा कर, ये सारे कुछ नाटक वाटक कर रहे हैं, इनकी नौटंकी बंद करवानी है। अच्छा सारे वी कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस पॉलिसी। हमारे और आपके घरों में भी दबाई जाती है। नहीं यकीन हुआ? ये देखते हैं। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, खाना तो रेडी कर दिया है, मैं सभी घर जल्दी आ जाए। कहाँ रह गए आज? अच्छा आप आ गए, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे। तुम पहले पानी लो यार। शादी ने दिया रेप का हक है। आई एम नॉट फीलिंग वेल,
आज बहुत थक गई हूँ। अरे एग्जैक्ट टाइम ऑफ द मंथ यार, सुनता नहीं कोई बात। वो टोली नहीं वो कफन ही था, टोली नहीं वो कफन ही था। मरती है अब हर रात को। अजीब लग रहा होगा ना ये सब सुनना, ये सब जानना, पर पता है क्या, हम इंसान जो है ना, हम इस दुनिया की सबसे समझदार प्रजाति। और उसका रीजन पता है क्या भाई, दूसरों की गलतियों से हम सबसे अच्छे से सीखते हैं। और फॉर अ फैक्ट, दिस एग्रीमेंट यहाँ आपके मेरे हम सभी के मन में किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर आएगा। पर होता क्या है कि अगर मैं ऐसी कोई कहानी सुन लेता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक चक्रव्यूह बन जाता है। अब होता क्या है कि मेरा डिसएग्रीमेंट इस चक्रव्यूह के अंदर तो चलाता है, लेकिन यहाँ जाके वो घूम जाता है, वो खो जाता है। यानी कि मेरे दिल से निकली एक बात मेरे दिमाग तक तो जाती है, लेकिन जुबान पे नहीं आ पाती। आपको दिखाता हमारा पहला केस 1857 लगा।
कपड़े बदलो फॉरवर्ड मत लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट द बॉयज ये है एनफील्ड राइफल दुनिया का सबसे अच्छा राइफल और ये है इसका कारतूस इसमें गन भी है और बारूद भी है पहले से काटो फिर गोली भरो और फिर ठोको then aim and fire अब तुम सब लोग इसे ट्राई करेगा मंगत बांधे कम फॉरवर्ड अब तुम इसे ट्राई करेगा नहीं सर हम इसके कारतूस को नहीं चबा सकते इसमें गाय और सुअर दोनों की चर्बी है ये हमारे धर्म के खिलाफ है तुम्हारी इतनी मजाल सुअर के बच्चे आप लोग दुनिया का कोई भी फिल्म शगल उठा के देखो उसमें दिखेगी आपको एक चेन रिएक्शन और इस चेन रिएक्शन का जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है डिसएग्री तो यहाँ मंगल पांडे के डिसएग्री करने से हमें आजादी तो मिल गई पर इक्वालिटी इक्वालिटी अभी भी हमारे पास नहीं तो कैसे पहुंचे हम इक्वालिटी पे डिसएग्रीमेंट करते करते आइए जानते हैं हमारे अगले कैसे इलेक्शन डे कारण हम पहुंचे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर अब आप पूछेंगे ये क्या होता है पहले मतदान का अधिकार सिर्फ अमीर वर्गों के पुरुषों के पास अब ये पहले अधिकार गरीब वर्गों के पुरुषों के पास आया फिर गुलामों के पास और तब जाकर हमें याद आया कि हमारे समाज में तो महिलाएं भी है तो काफी स्ट्रगल और लड़ाइयों के बाद आखिरकार ये अधिकार महिलाओं को भी मिला सोच सकते हैं अगर उस दिन इस लड़की ने डिसएग्री नहीं किया होता तो शायद आज भी अधिकार महिलाओं के पास नहीं होता तो देखा कैसे डिसएग्रीमेंट एक आया ना हमें मिला 1% 1 वोट नहीं 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 मुझे क्या लग रहा है कि हम बहुत सारी बातें एक साथ बता दे रहे हैं और आप लोग ये पहचान नहीं पा रहे हो इसलिए मैं आया एक और बात बताने कि सबसे पहले हमारे पास आया डिसएग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट से हमें मिली आजादी और ऐसे ही डिसएग्री करते करते हम पहुंच गए इक्वालिटी पर अब हमारे पास आजादी भी थी इक्वालिटी भी थी पर भाई साहब जो हमारे पास नहीं था वो था सोशल जस्टिस क्या था कि अनार्किक जस्टिस में जो बंदा पावरफुल था वही डिसाइड करता था कि क्या सही और क्या गलत पर अब ऐसा नहीं है अब जो हमारा संविधान है वो सभी वर्ग के लोगों को समान नजर से देखता है तो कैसे हम पहुंचे डिसएग्रीमेंट से इस सोशल जस्टिस पर या हम आपको दिखाएंगे अपने अगले कैसे में तो बास्को वाले भैया लगाइए कैसे सोशल रिवॉल्यूशन का
भैया डिसएग्री करना क्यों जरूरी है ये तो हमने आप सभी को बता दिया, अब डिसएग्रीमेंट कैसे किया जाता है ये भी बता देते हैं। वो क्या है ना कि आप 20 लोगों को इकट्ठा कर लो और जाके लेट जाओ ट्रेन की पटरी में कि मैं तो नहीं हिलूंगा यहाँ से, मुझे ना चाहिए। अब ये तो कोई अच्छी बात है नहीं हा? तो एकदम बेसिक से बताते हैं प्रोसीजर आपको। सबसे पहले हमने लगाया दिमाग, दिमाग लगाया दौड़ाया और बनाया ओपिनियन। कहा ना बेटा, हाँ आ जा आयुष्मान भाव जा। पहला स्टेप दिमाग लगाया और बनाया ओपिनियन। अगला स्टेप हम उसे ले गए अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी ने दिया डिसीजन, नहीं आया पसंद, आया डिसएग्रीमेंट। अब तेरे आगे रिजल्ट, तेरे नीचे डिसएग्रीमेंट। भाई तूने छलांग लगाया, बाय 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 बाय। अरे डिसएग्रीमेंट नहीं रहा, इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में होते कुछ प्रोविजन ताकि आप लोग अपनी बात सही तरीके से कह सके। जैसे कि अगर आपको अपने मम्मी पापा से डिसएग्री करना तो सही समय देखकर बहुत प्यार और आदर से उन्हें समझाएं, और यदि आपको अपने बॉस से डिसएग्री करना हो तो उनके पास जाएं और फॉर्मली उनसे कहिए, सर आई रिस्पेक्ट योर व्यूज बट आई डिसएग्री। और अगर आपको अपनी सरकार से असहमति जतानी है तो हर मिनिस्ट्री ऑफिस में एक फीडबैक सिस्टम होता है। पीएम ऑफिस में 1-to-1 टॉक करके भी आप अपनी बात सामने रख सकते हैं, और अगर फिर भी बात न बने तो आइए इस पर बैठे को या के पास। अब फिर देखिए आपको रिजल्ट कैसे नहीं मिलता समाज। अब आप सभी जानते हैं, किया जाए तो आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप डिसएग्री करते हैं तो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू ही करें। चलिए आपको एक जादू दिखाता हूँ। ये जो आप इतनी रत्न टंकी देख रहे हैं, ये जो फॉर्मेशन देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं बल्कि ह्यूमन एवोल्यूशन का ही रास्ता है। और मुझे पूरा भरोसा है यदि आप लोग हमारी किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो आप हमारे पास आएंगे, हमसे मिलेंगे और हमसे कहेंगे most humbly and respectfully sir।